नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला एटा उत्तर प्रदेश से संवाददाता मोहित यादव की लाइव रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की खबर मोहित यादव के साथ। मैं इस समय ग्राम बनी पोस्ट दलिया में खड़ा हूँ। सर, आपका क्या कहना है, क्या मैटर हुआ आपके साथ में, क्या घटना है? बनी बाजार में से वापस आ रहे थे जी। आज बाजार छोड़ बने बाबू हमारे बच्चा आगे बैठे थे और दोनों लोग बाबू को पढ़ा के निर्माण जा रहे थे, लेके आ रहे थे वहाँ से। तो यहाँ राहुल जो हैं बैंक चला रहे, छोटे भाई हुए वो उधर से आ रहे थे मोटरसाइकिल से गाँव तरफ से, उनने मेरी को टक्कर मारी। टक्कर मारने में मोशावर भाई, हाथापाई भाई, उन दोनों लोग हमारे उनसे दोनों लोगों से। उसके बाद हम चले आए अपने घर पर भी पिछा लोगों ने कर दो। उसके बाद हमें दो फैर करे जाए। किसने फैर किसने किए? रोहित ने फैर किए, घर किए जाकर यहाँ दो फैर। और उसके बाद चले गए जी गाली दे के। उसके बाद हम चले गए थाने हमने एक तरी लिख के दी वहाँ रघुवीर सिंह दरोगा जी को, हल्का इंचार्ज जो हमारे हैं उन्हें। और उसके बाद वापस आ गए तुरंत। हमारी ये है पूरी कार्रवाई हो और जो भी कार्रवाई हो टोटल एफ आई आर हो और जो भी धाराएँ हों उन पर धाराएँ लगें। और इन्हें पूरी गुंडा की गाली फाली दी और पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे, टोटल ब्राह्मण समाज को। मतलब ये दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं? दबंग है, पूरे गांव घूमता है और हमेशा गाली देते हैं। और हमारी इनसे चुनावी रंजिश है और पूर्ण रूप से ये अपने यहाँ बनी में आते हैं और पूरे गली दिन भर घूमत रहते हैं पूरे, और हमेशा गाली देते हैं पूर्ण रूप से ब्राह्मण को, टोटल ब्राह्मण को गाली बहुत देते हैं। और हमसे इनकी चुनावी रंजिश है, ये हमसे हमेशा, इनसे हमें जान का खतरा है, ये हमें हमेशा। आज इनने झोला बचती है टक्कर मारी और चोट वोट लाने की, लेकिन टक्कर पूरी मारी और पूरा पूर्ण रूप से वो था टक्कर मारने का बस। ये रोहित जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? गलारपुर थाना अलीगंज। लेकिन आपके यहाँ कैसे आई? ये हमारे यहाँ बैंक चला रहे हैं और पूर्ण रूप से बैंक अलियापुर शाखा की है, लेकिन बड़ी चला रहे हैं। ये फर्जी है, इनकी भी जाँच कराएंगे हम और एटा जाएंगे डीएम साहब के पास, इनकी पूर्ण रूप से जाँच कराएंगे। पूर्ण रूप से पूरी बैंक फर्जी है, पूर्ण रूप से अलियापुर नाम से बड़ी चला रही है। इनके साथ और भी कोई व्यक्ति था? कोई व्यक्ति नहीं था, भाई वगैरह इनका कोई नहीं था, अकेले थे ये मार्केट में अकेले। तो यहाँ पे उन्होंने फायर कर दिए और आपको भागना पड़ा वहाँ से? जब बाहर से बाजार में से वापस आया आधा घंटा बाद, इन्होंने फायर किए, गाली दी और चले गए। थैंक यू। तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।